दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो में। तो आज अपने पास ये बाइक एक टॉय आया हुआ बच्चों वाला। तो इसमें एक ना ये मॉड्यूल है जो ये मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और जो दे रहा है बहुत कॉस्टली दे रहा है। तो हम इसमें एक ये एक्सीलेटर वायर, ये एक्सीलेटर काम करता है। तो हमने ये सारा सिस्टम निकाल के, तो आपके पास ऐसा बाइक है या कुछ भी है उसके ऊपर वीडियो चाहिए, कोई आपके और कोई इसमें प्रॉब्लम आ गया तो हमारे को कमेंट करिए या जो कुछ भी है, तो इंस्टाग्राम पे भी हम तो इसके ऊपर हम वीडियो बना के आपको देंगे। जो आप हमारे पास नुक्स आया है वो है इस बोर्ड के ऊपर, इसमें सारी सप्लाई आ रही है, आउटपुट नहीं हमारे को मिल रही है। ठीक है भैया, तो हमने किया गया, अभी ये मिल नहीं रहा है तो इसको चालू कैसे करें। तो चालू करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो देखिए यहाँ पर दो शॉकट हैं, तो एक में डायरेक्ट सप्लाई आ रही है, ठीक है, इस शॉकट में। तो फिर से बता दूँ, फिर स्विच ऑन करोगे तो यहाँ से एक बार ये ब्लू वाली इस बड़े वाले शॉकट में आ जाएगी, ठीक है भैया। तो दूसरा शॉकट है जो ब्राउन और ब्लू वाला, तो इस स्विच में आ जाता है जो फॉरवर्ड वर्स में यूज़ होती है, ठीक है। तो ये कॉमन वायर होगी, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव इस वाले शॉकट में। तो ये आप मल्टीमीटर से अपना एक बल्ब होल्डर लगा के चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है ब्लू वाली में। तो हमने किया क्या है, नेगेटिव वाली को डायरेक्ट हमने कंट्रोल कर लिया है और जो पॉजिटिव वाला है हमने उसको सप्लाई दे दिया है। देख पा रहे हो यहाँ पे जो ये ब्लू वाली वायर है, ये जो शॉकट जा रहा है सीधा इसके अंदर, ये ब्लू वाली वायर, तो इसमें हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दी है। देख पा रहे हो यहाँ पे दो शॉकटों को ऐसे हमने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है भैया, ये देख पा रहे हो शॉकट। और आ गया हमारा ब्लैक वाला, ब्लैक और ब्राउन, इसमें क्या किया देखिए, और ब्लैक और ब्राउन में हमने ये देखिए, ये ब्लैक आ गया यहाँ से, ब्लैक ये स्विच में चला गया और ये वाला ब्लू इस ब्राउन में जुड़ गया। तो ये जो ब्राउन ब्लू वाली दो तारे हैं, ये वाली शॉकट वाली, ये स्विच में आ रही हैं, ठीक है। इस स्विच का मतलब दोनों तारे इसमें हमने इसमें अटैच कर दिए हैं, ब्लैक और ब्लू ब्राउन में, ठीक है भैया। देख पा रहे हो, फिर से दिखा दूँ मैं आपको नज़दीक ले जाके। तो देखिए ये हमारी ये इस शॉकट की दोनों तारे एक ब्लैक में और ब्राउन में जुड़ गया। तो ये एक स्विच का काम करेगा, जैसे फॉरवर्ड वर्स करना है, जैसे करना तो आपको यहाँ पे एक बार बटन दबा देना आगे को, ये चला जाएगा पीछे को, ठीक है। तो जिस पोजीशन पे आप रखोगे उसके बाद आपको ये डायरेक्ट नहीं चलेगा, जैसे आप पैडल को दबाओगे तो ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी क्या हमारा स्विच बंद है तो इसको हम चालू कर देते हैं, चालू हो गया। तो हमारा ये शॉकट ये फॉरवर्ड की तरफ रखा हुआ है हमने, बाद ही देख लेते हैं, एक तरफ चलेगा। अभी ये स्विच प्रेस करेंगे तो ये भागना पीछे को शुरू हो गया, ठीक है। और इसको हम आगे को करेंगे तो इसको नीचे किया, ये आगे को भागना शुरू हो गया, ठीक है भैया। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस। आपके पास ये मॉड्यूल नहीं मिलता है तो आप इसको चालू कैसे करें। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कर देना, अभी हम सब इसको टेप कर देंगे। नहीं समझ में आया फिर से रिपीट करके एक बार वीडियो देख लेना, बहुत छोटा वीडियो बनाया है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। फिर से बता दूँ, तो जो कलर की ये वायरें हैं ब्लू कलर की, इनको हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, सीधी सप्लाई इसके अंदर चलेगी, ठीक है भैया। और दूसरी जो ब्राउन वायर है, इसको हमने एक स्विच के थ्रू करंट ले लिया है, स्विच के थ्रू, जैसे ये ब्लू में जोड़ दिया ब्राउन को और दूसरी ब्लू को जोड़ दिया ब्लैक में, एक सप्लाई इसकी स्विच के थ्रू लेनी है, इस स्विच के थ्रू, ठीक है भैया। स्विच के थ्रू लोगे तो ये सप्लाई जब आपका बच्चा इसको प्रेस करेगा उस टाइम ये काम करेगा, ठीक है, वायदा नहीं करेगा, ठीक है भैया। इसको ऐसे दबा दोगे तो ये पीछे को वर्क करना शुरू कर देगा। बाई चांस आपका ये चीज़ नहीं हो रहा है तो आप इस स्विच को चेक करिए, नहीं आप रिपेयर कर सकते हो इस स्विच को, रिपेयर कर लीजिए, नहीं नया मिल रहा है तो नया लगा दीजिए, ठीक है। और वैसे ही नीचे वाला स्विच रिपेयर कर सकते हो, कर लीजिए, नहीं होता है तो नया लगा देना। बाकी इसमें कोई भी ऐसा फॉल्ट नहीं डलने वाला इसके बगैर, तो ये सिंपल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इसमें एक ये एक्सीलेटर का और इसका ब्रेक का सिस्टम दिया होता है बोलते हैं, तो हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, निकाल दिया, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं आएगा। बस बैटरी आपकी थोड़ी ताकत ज़्यादा लेगी और डाउन जल्दी होगी, और वो चार्ज कर लीजिएगा बाईदा बे। इसमें आप 5 एम्पेयर की बैटरी रख लेना, ठीक है, बाइक वाला। तो ये भी 12 वोल्ट बन गया सीरीज में जाके, ठीक है। ये नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव निकल गया। यहाँ पे 6 वोल्ट की एक बैटरी होती है और 12 वोल्ट हो गया, तो डायरेक्ट 12 वोल्ट की लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एम्पेयर की, 6 एम्पेयर की, जो भी आपको बैटरी मिलती है 4 की लगाइए, बहुत गुड चलेगी इसमें। तो अभी तक के लिए बैटरी चल रही है। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कर देना भैया। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद सबका।